नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आप सभी को पुनः स्वागत करता हूँ इस नए नए लेक्चर में। जो पिछला था उसी के कंटिन्यूशन में हम पढ़ेंगे आज। पिछली बार हमने जो कंसेंट्रेटेड लोडिंग के साथ में डीसी डिस्ट्रीब्यूटर का स्टडी किया था, अब इसमें हम यूनिफॉर्म लोडिंग के साथ में डीसी डिस्ट्रीब्यूटर को स्टडी करेंगे। ये अगर एक सिरे से हम उसको फीड करें और यूनिफॉर्म लोडिंग हो तो किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको मैंने दिखाया यूनिफॉर्म लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेट बनने। तो इसमें ये एक ए बी ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया पूरा। ये इसमें यूनिफॉर्म और कंसंट्रेटेड लोडिंग का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड में तो एक ही पॉइंट पे लोड होता है इस तरह दिख रहा है, परंतु यहाँ क्या हमने लिखा है नीचे आई एम्पियर पर मीटर। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या हुआ, हर एक मीटर पे इसमें करंट कितना हो जाएगा, आई एम्पियर हो जाएगा। जैसे यहाँ एक मीटर डिस्टेंस है इसे यहाँ की, तो कितना करंट हो गया आई, फिर अगले एक मीटर पे फिर आई हो गया, फिर अगले एक मीटर पे आई हो गया, आई हो गया अगले मीटर पे। तो हर सेक्शन में एक एक मीटर जैसे जैसे बढ़ेंगे हम आई एम्पियर करंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जैसे मान लो चार जगह मैंने करंट दिखाया इसमें, चार मीटर का मान लो इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, ये टू यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ आई, यहाँ आई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सारे को जोड़ आ जाएगा फोर आई के बराबर। तो यूनिफॉर्मली जो लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोड होता है जनरली सभी का, पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ेंगे अभी किस तरह से कैलकुलेशन इसमें हम करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, इसकी लंबाई कितनी है, एल लंबाई का डिस्ट्रीब्यूटर है, ए से बी तक लंबाई कितनी इसकी एल, तो करंट इसमें आई एम्पियर पर मीटर हो गया। तो अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वोल्टेज निकालेंगे बी पे कितना होगा और टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ये देखेंगे हम इसमें। तो ये कैलकुलेशन के लिए दोबारा एक डायग्राम मैंने वापस आपके लिए ये बनाया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें हम ये कल्पना करते हैं कि एक सी पॉइंट ले लिया मैंने बीच में। सी पॉइंट कहाँ पे है, जो ए पॉइंट से एक्स मीटर डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस में क्या है, एक सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप जिसकी चौड़ाई डी एक्स के बराबर है उसकी एक कल्पना की मैंने। इस स्ट्रिप में टोटल करंट कितना होगा, जैसे आई पर मीटर है तो डी एक्स चौड़ाई में कितना करंट हो जाएगा, आई डी एक्स, आई इंटू डी एक्स। और रेजिस्टेंस भी अगर मान लीजिए आर ओम पर मीटर है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, आई डी एक्स। तो अब इसमें से जैसे मान लो हम ये डी एक्स की वजह ये कल्पना करें करंट कितना होगा यहाँ पे, इस सी पॉइंट पर करंट कितना होगा, सी पॉइंट पर करंट होगा हमारा ये करंट इधर से यहाँ तक का करंट इसमें इसके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। टोटल करंट कितना होगा, इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल लंबाई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई एम्पियर पर मीटर है, एल लंबाई है, तो कुल करंट कितना हो गया, आई इंटू एल, टोटल करंट हो गया आई इंटू एल। तो अब इसमें यहाँ इसी पॉइंट पर कितना करंट होगा, ये इधर का पोर्शन का जो करंट है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये लंबाई कितनी है, एल माइनस एक्स, कितना करंट इसमें से कम कर दें पूरे में से, तो सी पॉइंट करंट आ गया, तो इसका मतलब कितना है, आई एल एल माइनस एक्स के बराबर। देन करंट एट पॉइंट सी क्या हो गया, टोटल करंट आई एल में से आई एक्स आपने माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका ये। तो पहले तुमने करंट कैलकुलेट कर लिया इसमें, तो करंट हमारा कितना है इसके अंदर, करंट कितना है, ये करंट हो गया आई एल माइनस, सी पॉइंट पर करंट कितना हो गया, आई एल माइनस एक्स। रेजिस्टेंस कितना है, आर डी एक्स, ये मैंने अलग लिखा है, ये करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया इस स्ट्रिप में, स्ट्रिप में डीवी स्मॉल डीवी बराबर आई एल माइनस एक्स इंटू आर डी एक्स, ये कुल करंट हो गया, छोटी सी सॉरी वोल्टेज ड्रॉप हो गया छोटी सी स्ट्रिप में। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं सारे को, तो ये आ जाएगा आई आर, आई आर मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स डी एक्स।
अब सारे इस पूरे ए से लेके सी तक पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में अगर आपको वोल्टेज निकालना हो जीरो से एक्स तक इसको हम विद इन लिमिट इंटीग्रेट कर लें जो हम अक्सर करते हैं, तो इन छोटी सी स्ट्रिप में निकाल के फिर मैंने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे ये वाला भाई यार एल माइनस एक्स डी एक्स जीरो से एक्स लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट कर दिया, बस एक्सपेंड कर लिया इसको, और फिर आई आर का आई आर एक्स हो गया और आई आर एक्स का हो गया आई आर एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन हो गया, वापस में लिमिट पुट कर दी मैंने तो क्या हो गया आंसर आई आर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी विद इन लिमिट विद इन द लिमिट ऑफ जीरो टू एक्स इसको हमने इंटीग्रेट किया। अब पूरी लंबाई के लिए अगर करें इसको फुल लंबाई के लिए तो पूरी लंबाई के लिए करेंगे तो क्या रख देंगे इसमें हम पूरी लंबाई कितनी है इसकी चालक की पूरे के डिस्ट्रीब्यूटर की एल एक्स की जगह हमने एल पुट कर देना है इसके अंदर, एल पुट कर देंगे तो वोल्टेज टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ये जो जनरल फार्मूला था इसकी जगह हमने एक्स की जगह क्या किया एल पूरी लंबाई पे आ गया आई आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू करेंगे। इस तरह से हम पूरी लंबाई के लिए जब निकालेंगे कितना जाएगा आई आर एल स्क्वायर। अब इसमें हम देखें आई आर क्या चीज है, सॉरी आई एल और ये लिखा है मैंने यहाँ पर आई एल क्या चीज है कुल करंट सारा, क्योंकि आई पर मीटर है तो टोटल लंबाई एल है तो कुल करंट कितना हो गया पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में आई, इसी तरह से कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर का स्मॉल आर है तो टोटल का क्या हो गया आर हो गया। तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें इस एल स्क्वायर को एक बार लिख दें आर एल और आई एल, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको आर एल आई एल, तो आर एल क्या हो गया आई के सॉरी कैपिटल आर के बराबर हो गया और आई एल हो गया कैपिटल आई के, ये सब दोनों मान रख देंगे तो क्या जाएगा मान आई आर बाई। इस तरह से हम अगर देखते हैं कि यूनिफॉर्मली लोडेड अगर डिस्ट्रीब्यूटर एक एंड में फीड कर रखा है तो उसमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में आई आर बाई टू, आई क्या चीज है कुल करंट जो स्मॉल आई और एल के मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा, और आर क्या कैपिटल आर टोटल आर इंटू एल आई आर बाई टू हो गया कुल मिला के वोल्टेज ड्रॉप आ गया। इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे इजीली, बहुत आसान सा। अब आगे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी कंसेप्ट के आधार। कई बार हम क्या करते हैं जैसे ये लोडिंग को हम यूनिफॉर्म लोडिंग है इस तरह से दिखाते हैं, जैसे बना दिया हमने स्प्रिंग जैसा बनाया ना तो इसके ऊपर लिख देते हैं आई एम्पियर पर मीटर, 1 मीटर में करंट आई है और ये इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, ऐसा भी हो तो उसका मतलब भी वही है। अब हम इसी पे आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, इतना आसान सा क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए करा रहा हूँ। इससे क्वेश्चन है टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर 200 मीटर लॉन्ग, टोटल एल दे रखा है इसमें आपको 200 इज यूनिफॉर्मली लोडेड, तो एल दे रखा है आपको ठीक है तो यूनिफॉर्मली लोडेड कितना दे रखा है 2 एम्पियर पर मीटर, स्मॉल आई का मान दे रखा है 2 एम्पियर पर मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर 0.3 ओम पर किलोमीटर, दो वायर है इसके अंदर तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना सिंगल वायर का ना इसलिए, और क्या दे रखा है इफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड एट वन एंड, डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड एट वन एंड कैलकुलेट, क्या कैलकुलेशन करना है वोल्टेज ड्रॉप ओवर द डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हमको x का मान कितना लेना है 150 मीटर, पहले हम पूरे उसके डिस्ट्रीब्यूटर का निकाला था इसमें 150 का निकाला और मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, मैक्सिमम तो कहाँ तक होगा पूरी लंबाई में होगा, दूसरे एंड पर जाके जब हम जाएंगे एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे ना फार फारदेस्ट एंड जो होगा उस पर मिनिमम वोल्टेज होगा तो मैक्सिमम ड्रॉप तो वहां तक पूरी लंबाई के लिए निकलेगा और एक ये निकल जाएगा 150 का। तो फार्मूला तो हमको याद ही है जो हमने अभी प्रूव किया है, बस केवल फार्मूला को अप्लाई करना है कुछ नहीं करना, करंट लोडिंग दे रखा है आई का मान स्मॉल आर निकाल लिया कितना हो गया दोनों कंडक्टर में लगभग बताएगा ना आपको 0.3 ओम
पर किलोमीटर है, तो किलोमीटर 1000 डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पर मीटर आ गया आपका, ठीक है, 0.0006 ओम पर मीटर, रेजिस्टेंस पर मीटर ये। वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे अप टू डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया है, अभी हमने प्रूव किया ना, IR LX माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब एक्स का मान कितना रखेंगे, 150 मीटर पे निकालना है आपको, तो एक्स का मान रख दीजिए 150, ये इसी फॉर्मूले में कुछ नहीं करना अपने, तो सारा मान जब हमने निकाल लिया इसमें तो कितना गया, टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ गया 5.5 वोल्ट। तो हम ये निकाल सकते हैं एक सिरे से 150 मीटर की डिस्टेंस जब ट्रेवल करेंगे, जब जाएंगे 150 मीटर दूर, तो वहां कितना, वहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 22.5 वोल्ट, 22.5 वोल्ट। अब फिर क्या निकालना है, कुल ड्रॉप निकालना है सारे में, तो ये निकालना मैक्सिमम सेकंड वाला मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला कैपिटल आई कैपिटल आर अपॉन टू अभी निकाला हमने, तो कैपिटल आई क्या होगा, स्मॉल आई इंटू एल, और कैपिटल आर क्या होगा, स्मॉल आर इंटू एल, बस ये करना है। आर निकाल लिया हमने ये, इसको टोटल लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये हो गया, ये टोटल आर हो गया, आर इंटू एल 0.12 ओम आ गया, 0.12 ओम, और ये आई निकल गया आई इंटू एल, 2 एम्पियर पर मीटर दे रखा है, ये हो गया आई आर बाई 2 करके, और ये कुल ड्रॉप निकल जाएगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हमारा कैसे निकल गया, इस तरह से हमने निकाल लिया। तो हम कितनी भी डिस्टेंस पे निकालना चाहें तो उसमें एक्स का मान हम उसके बराबर रख देंगे और फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा आपका। तो मैक्सिमम निकालना हो तो पूरे डिस्ट्रीब्यूटर की लंबाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।